नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, लाइफ में हर किसी का एक सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर बड़ा होकर नाम, इज्जत, शोहरत व ढेर सारे पैसे कमाकर बड़ा आदमी बने और ऐसो आराम की जिंदगी जिए। ऐसे में कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी का सपना होता है कि वह प्रोफेशनल लॉयर बने, सफल अधिवक्ता बने, लोगों के काम आए, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के काम आए, उनकी मदद करे और पैसों के साथ साथ नाम, इज्जत, शोहरत व दुआएं कमाए। दोस्तों, नाम के आगे वकील लगना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दो ही लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे विद्वान लगाया जाता है। पहला तो जज और दूसरा वकील। ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे विद्वान लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ वकील बनना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक काबिल और सफल वकील बनना बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कितने स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई करते हैं, उनमें से मुश्किल से 15% या 20% ही प्रैक्टिस में आ पाते हैं, क्योंकि वकालत का पैसा धैर्य का पैसा होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आप वकालत के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितनी शिद्दत से वकालत करते हैं, कितना समर्पण दे रहे हैं। आपके मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी पर यह पैसा टिका होता है। सो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि एक सफल और काबिल अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। दोस्तों, एक सफल वकील बनने के लिए आपके पास सबसे पहले तो LLB की डिग्री होना आवश्यक है। अगर हम बात करें कि LLB करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, LLB करने के लिए आपकी कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो दोस्तों, LLB करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होनी चाहिए। 12th पास होने के बाद आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, LLB करने के दो कोर्स होते हैं, एक 3 साल का और दूसरा 5 साल का। यदि आप इंटर पास करने के बाद LLB करना चाहते हैं, तो आपको 5 साल का कोर्स करना होगा। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। आपने इंटर या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, मैटर नहीं करता। दोस्तों, LLB करने के बाद आपके पास LLB की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आप किसी राज्य के बार काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अधिवक्ता के रूप में करवाते हैं, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसी दिन से आपके नाम के आगे अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।